लेकिन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम जीत चुका है बिग बॉस। सिस्टम यार मुझे लगता है कि ये शो रियलिटी शो बिग बॉस जैसा शो है। चलो तुम आगे हो जाओ। सबसे पहले भाई आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मराठी में आपने नाम कमाया, फिर हिंदी में आकर भी नाम कमाया, बिग बॉस में भी आपके नाम का डंका बज रहा है, क्या बताना चाहूंगा? बहुत ही मतलब मेरे लिए सवाल पूछा आपसे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से। नहीं यार मैं सच्ची में ये बहुत लोगों ने किया है, मैं भी कर रहा हूँ, और जस्ट मेरे विशलिस्ट थे और एक वन बाय वन चल रही है, अभी खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, और ये बहुत सालों से मैं कर रहा था कि होपफुली मैं ये वाला वे चूज करके अपने बड़े पर्दे तक पहुँचूँ। अभी रियलिटी शो तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं जो मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी और मेहनत करनी है मुझे। और जैसे होता है ना कि अमरावती से मुंबई आना ही एक बड़ा ये होता है, स्टंट होता है हमारे लिए, तो अभी मैं ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जर्नी कर चुका हूँ, और मेहनत करनी है, और आप लोगों का प्यार है तो और आगे बड़े सपने अपने। जैसे अभी आपने कहा कि अमरावती से मुंबई, आप रिसेंटली अमरावती गए थे, कैसा रहा वहाँ का माहौल, जाकर कैसा लगा? वो शिव को कहीं मिस किया आपने उस भीड़ में? यार मैं जानबूझ के कहीं पे एक इवेंट था तो वहाँ पे बुक किए थे कि होटल में रूम्स, तो मैं वहाँ पे मेरे पंटर लोगों को बुलाता हूँ, और रात को फिर 12-12 एक एक बजे तक हमारी पुरानी बातें रिपीट होती है, और कुछ दोस्त थोड़ा महफिल में बैठने के बाद आराम से होता है ना वो रिपीट बाय अपना बाहो वगैरह, तो मैं वो जानबूझ के ना अपने दोस्तों को अभी तक मैं मिलते रहता हूँ, बीच में जब भी जाता हूँ तो दो तीन दिन घंटे हम पार्टी करते हैं, तो वो वाला जोन तो वो शो कभी तो मतलब कहीं जाना नहीं चाहिए, वो चला गया तो मुझे नहीं लगता लोगों को मैं पसंद आऊँगा फिर, तो वो मेरे आई और मेरे दोस्त मुझे वैसे ही रखते जमीन पे। डेजी जी आप क्या कहेंगे खतरों के खिलाड़ी के बारे में, कैसा लग रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है आपके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट खतरों करने का मकसद ही ये था कि वाइडर ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस है जो टीवी कैसे ऑपरेट करता है, वहाँ के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, आज वहाँ से वो सीख कर निकली हूँ, तो आगे जाके अगर कुछ करूँगी टीवी से रिलेटेड तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है पहले से। लर्निंग लेसन था। रोहित सर को बहुत टाइम के बाद मिली, अच्छा लगा, इसको मिली, संध्या को मिली, तो बहुत सारे दोस्त बनाकर आई हूँ वहाँ से, बहुत सारी मेमोरीज निकले। लेकिन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम जीत चुका है बिग बॉस। सिस्टम यार मुझे लगता है कि ये शो रियलिटी शो बिग बॉस जैसा शो ऐसा है कि जिसमें लोग ही डिसाइड करते, तो लोगों ने प्यार किया, लोगों ने वोट किया, इसलिए वो जीता है, वो डिजर्व करता है शायद, बट इसमें भी दो टाइप के लोग हैं, एक कहते हैं कि एक का गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक का फैन फॉलोइंग, बट जो रूल है वो रूल है, जिसको वोटिंग सबसे ज़्यादा, और मुझे लगता है अनिश का जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट, दोनों का नेक्स्ट लेवल है, तो उसका मतलब उसको दिल्ली हरियाणा साइड और इंडिया में जानते थे, अभी तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानने लगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी बेहतरीन स्टंट किया स्टार्टिंग में, आपके ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला कि इनकी किस्मत अच्छी है, तो आगे आपने चूहे वाला स्टंट भी बहुत बेहतरीन किया है, जहाँ पर कुछ अगर आप बता सके स्टंट करना कितना मुश्किल रहता है, जब आपने पानी वाला भी स्टार्टिंग के अंदर वो एक बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है स्टंट में जाने के पहले, पर एक आवाज़ आती है जो रोहित सर है उनकी, अरे हो जाए, तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन जो है वो बहुत वर्क करता है। स्टंट ज़्यादा लंबा नहीं होता, हार्डली 10-15-20 मैक्सिमम 25 मिनट्स तक का होता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो 25 मिनट तक जितने भी डर है फियर्स है वो साइड में रख के और फिर रोहित सर की शक्ल देख के हो ही जाता। सर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि आपने भी काफ़ी बेहतरीन स्टंट किए हैं और लोग काफ़ी पसंद करे, शायद कोई लोग इतना क्या कहना चाहोगे इसको लेके, मतलब यार मैंने बैक टू बैक पानी वाला, मेरा फर्स्ट कार वाला भी आप लोगों ने कुछ नया स्टंट किया, फर्स्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी में हो रहा है और आपने ही किया है वो। मुझे पर्सनली बताओ आपको कि कोई भी रियलिटी शो वो जीतना हारना सबको ही जीतने के लिए जाते हैं, स्टंट भी जीतने के लिए शो भी जीतने के लिए, बट होता है वो जर्नी, तो मैंने वो जर्नी पहले दिन से जब तक खतरों के खिलाड़ी में था मतलब लास्ट फिनाले तक गया जहाँ पे गया बता नहीं सकते, तो वो मैंने पूरा पैसा वसूल किया है, पूरी मस्ती की है वहाँ पे, जहाँ पे स्टंट हारो या जीतो हम मजे ही करते थे, तो मैंने वो कार वाला वो, और मुझे नहीं लगता कि वैसा एक्सपीरियंस हम अपने रियल लाइफ में ले सकते हैं, वो वैसी अजीब अजब कार थी, देखा ना वो गोलमाल अपने रोहित सर वाली तो अजब कार थी, और वो सब खतरों के खिलाड़ी में एक्सपीरियंस कर सकते थे, पर मैं हमने बहुत मस्ती की, मैंने मतलब हमें बहुत वो अभी जब वो क्लिप्स देखता हूँ, मैं पूरा शो नहीं देख पा रहा हूँ, तो छोटी छोटी क्लिप्स है ना वो हमें बहुत याद आती है, वो बॉयज वाला एक ग्रुप था हमारा, हम सब मिलके इसका कुछ मस्ती है,
इसका लायन के वक्त की मस्ती है, तो हमने पूरा वो शो एंजॉय किया, एक एक पल, एक एक एपिसोड या एक एक दिन, या फिर जैसे हम अभी डेजी ने बताया कि हम जब ट्रैवल करते थे मॉर्निंग, तो हमें एक रहता था कि जो लोकेशन है थोड़ा दूर रहे, डेढ़ घंटा दूर रहे, तो हम मस्ती कर पाए। मैम हाउ वाज एक्सपीरियंस, कितने फ्रेंड्स बनाए आपने? इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज एन आउटसाइडर बीइंग एबल टू डू कतरों के खिलाड़ी इन सच अ शॉर्ट टाइम। आई फील दैट इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड ऑल्सो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम whoever like fans are following me, because fans ke bina kuch nahi kar sakte, especially like reality shows. Aur itna support maine mila Qatar ke khiladi se, inside and outside, from the fans and also like from the contestants that have been part. Isa kuch specific drama kabhi nahi hua tha Qatar ke khiladi, it was more of fun, we were more like you know, creating memories rather than just like trying to switch someone's lights, to just like lighten up ourselves. So it was an amazing experience. Aur maine kabhi nahi socha tha ki ek saal mein main Rohit Shetty mil sakti hu aur uske sath show kar sakte ho, to bahut maza aaya. Thank you. शिव भाऊ देजी मैम, थोड़ा खड़े है ना, आगे बस तीनों साथ में फोटो ऑफ होगा, तीनों साथ में देजी मैम लुक हियर, थोड़ा पीछे हो रहे सब लोग, बस हो गया, देजी मैम लुक हियर, थोड़ा पीछे हो ना शिव भाई, बस परफेक्ट बस ऑल ऑफ यू सेंटर इतने सदा हम ठीक हो सब सवाल शुभ समर शुभ इतने देजी मैम सेंटर ऑल ऑफ यू कैसा लगा गेम खेल के? गेम कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, कतर शुभ बहुत गर्म हो रहा है, वीडियो वाले आ गया, आई वांट नंबर नहीं उधर भाई के दो बहुत लकी के साथ गेम खेलते भाई, गरम हो कुछ भी हो पर अच्छा दिखना मांगता है, बात उधर लेके रुक जा रुक के पिक्चर कोस्ट तो है गया बाबू, ओके जीरो है, चलो बाइक लेते हैं ना, बाइक चलो बाइक चले किधर है।